आप लोगों का कोई प्रॉब्लम? मेरी बहन नाम बताएं कहाँ है? नहीं हो यार, नजायज तू रिश्ता रखे यार, तू ईसाई है और है मुसलमान है। इस्लाम के अंदर ये चीज अपना मर्ज़ब छोड़ा है तो क्यों प्रॉब्लम? 115 पे कॉल करो यार, पुलिस को बुलवाओ जरा। ओ बुला। बातें है ना, बुलवाओ 115 पे कॉल करो। मर्जी बुला, जिन्नो मर्जी बुला, सानू कोई डर नहीं। डर खोप नहीं। अच्छा जी नाज़िन, यहाँ पर हमें बताया गया था कि एक जो है मुसलमान लड़की है और लड़का जो है वो ईसाई है, और इन दोनों के साथ दरमियान जो है वो एक रिश्ता कायम है जो नाजायज़ रिश्ता है। अभी बात कर लेते हैं इनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहन? कोई हाल नहीं है। नाम क्या आपका वैसे, बताइएगा नाम, बताइएगा मुझे अपना। आप लोगों का कोई प्रॉब्लम? मेरी बहन नाम बताएं मुझे। नहीं, आप मुझे ये पूछा है मुझे नाम, कोई प्रॉब्लम? नाम बताएं मुझे अपना। नहीं बताना। नाम बताएं। नहीं बताऊंगा। हां नहीं बता। क्या लगता है ये मेरा, जो भी लगता है आप ये क्या लगता है आपको? मेरा बंदा। हां मेरा बंदा। निकाह हुआ इससे? हां किधर है निकाह नामा? क्यों हम 24 घंटे ही निकाह नामा खत मिला कि निकाह हुआ? निकली है हम इधर। मैंने पूछा है निकाह हुआ? हां जी। हाँ जी। कब से उसके साथ निकाह? मेरे बहुत पहले हो चुका है। क्यों? कब हुआ है, कब से उसके साथ ये बताओ मुझे, इसके साथ कब से हो? तुम तो माशाल्लाह मुसलमान हो मेरी बहन, लेकिन ये ईसाई है पता है? लेकिन मैं भी ईसाई हो चुकी हूँ। हाँ जी। तुम भी ईसाई हो गई? हाँ। पहले मुसलमान थी? हाँ। अब ईसाई हो गई? हाँ। नाज़िन ये, ओ भाई क्या नाम है तुम्हारा? यार मेरा नाम कुछ भी नहीं है। नाम बता मुझे, क्या नाम तेरा? ओए आ जाओ भाई। ओ भाई नाम बता मुझे। मुझे नहीं पता यार, जा मेरा नाम है ही नहीं। बीवी है तेरी? हाँ। हाँ। कब से निकाह किया इसके साथ? बहुत देर से। हैं? बहुत देर से। आगे तुम कह रहे थे मेरा भी निकाह नहीं होगा। ते पागल है ना, मैं कभी कुछ करना कभी कुछ करना। दस ना कितो नहीं तेरा नाम यार, मेरे छड़ के मेरे जवाब दे। और जितनी देर तो भी रह रही, मेरे नाल रह रही होंदी, मर्दी है कि ते रह रही है। जान निकाह होया तेरा? नहीं होया। जान पूछ जाके निकाह होया? नहीं होया। किन्नी देर तो रहने थे नाल, चल मेनू जवाब दे। मुसलमान है? नहीं मैं ईसाई हैगा। ईसाई है? हां जी। और किन्नी देर दा रिश्ता बनाया तू? मेनू 5 महीने हो गए ने। 5 महीने हो गए? हां जी। 5 महीने च निकाह नहीं कीता? नहीं। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਹੈਂ? ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚਰਸ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਚਰਸ ਪੀਣਾ? ਆਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੀ ਚਰਸ? ਆਹੋ। नाजायज रह रही हो आप एक गैर महरम के साथ? क्यों? इस्लाम के अंदर ये चीज, अपना मजहब छोड़ा है तो क्यों प्रॉब्लम? मजहब छोड़ दिया? मैं ईसाई हो गई। ईसाई हो गई? अस्तगफार, यानी के मुसलमान थी पहले और अपने आप को अब ईसाई भी, यानी कि तुम ईसाई हो गई, ईसाई ईसाई मजहब में आ गई हो? पहले मुसलमान थी? हाँ भाई, यानी इस्लाम छोड़ दिता है? आहो कह दे रही तेरे सामने में, तो मैं तू उन्हें फोर्स किया सी? बस उन्हें किया है गाजी, उन्हें ता ही उन्हें छड्या तेरे सामने कह रही है। तू दस ना मेनू, वो की कह रही? तू मेनू जवाब दे। की जवाब देवा? तू उन्हें जड़ा ना मजहब छुड़वाया? मैं तो नहीं उन्हें कहा छड़, मैं अपनी मर्जी नाल रह रही हूं। हां क्या हो गया भाई? आप आई कहाँ से? मैं जिधर से मर्जी आई। ये बताओ मेरी बहन कहाँ से आई हो? मैं जिधर से मर्जी। आप आई कहाँ से हो मुझे पहले ये बताओ, कहाँ से आई हो? आप लोगों को अच्छी तरह मैंने पूछा है कहाँ से आई, मुझे सिर्फ जवाब दो। तुम मुझे सिर्फ जवाब दो,
पहले मैं तुम्हें बहन कह रहा था, क्यों? क्यों मुसलमान हो तुम, और मुसलमान जो है ना वो बहन जो है, नहीं नहीं दबाव डाल रहा हूँ जाहिर बात, तो तुम नजायज तरीके से बैठी हुई हो। वन वे पे कॉल करो यार, पुलिस को बुलवाओ जरा, ओ बुला, बुलवाते हैं ना, बुलवाओ वन वे पे कॉल करो, मर्जी बुला, जिन्नो मर्जी बुला, सानू कोई डर, कोई डर खौफ नहीं, अल्लाह के सिवा। तुम कह रही हो मैं ईसाई हूँ, क्यों ईसाई अल्लाह को नहीं मानता? नहीं तुम अभी कह रही थी ना मैं किसी का डर खौफ नहीं है, अल्लाह का सिवा मैं किसी और से नहीं डरती। तुम पहले मुसलमान थी और इस घटिया शख्स के पीछे लग के तुमने दारा इस्लाम से खारिज हुई हो। मैं घटिया की है, घटिया है ना तू, कितों है, कितों है, जिथों भी आया, तू आया कितों है, वो अपनी मर्जी ना रह रही, तू आया कितों है, तेरे कितों है तू? मेरा कोई नहीं है, तो माँ प्यो फोत हो गया, मैं कल्ला ही है, कितों का रहना ला, मैं कितने का नहीं, मैं तेन दस रहा, मेरा माँ प्यो फोत हो गया। वन भाई पे कॉल करो, बुलवाओ उसे, और जनाब ये हालात है नाजिन, ये देख सकते हैं कि ये जो मेरी बहन है ये पहले मुसलमान थी और इस शख्स के साथ इसने नाजायज ताल्लुक बनाया और उसके बाद ये अब कह रही है जिसके बकौल कि मैं अब ईसाई हो चुकी हुई हूँ, ये ईसाई है और इन दोनों ने नाजायज रिश्ता कायम किया हुआ है और ये सरेआम सोते हैं ऊपर और खुद मान भी रहे हैं, उतने ही सोते हो, सब गलत काम करते हो यार, कितनी दफा सब गलत काम करते हो, आहो सब कर रहे हैं, सब गलत काम करते हो, बगैर निकाह तो ही करते हो, कोई डर खौफ नहीं है? डर खौफ का था जो उड़ाजी है कि मैं का तो डरा, मेरी बहन तुम्हें डर खौफ नहीं है किसी चीज का? मुझे अल्लाह का सिवा, मैं आपको क्या कह रही हूं, मुसलमान थी, मुसलमान थी और मुसलमान, तुम मुसलमान थी और अब ईसाई नहीं देंदे सानू कोई खाना, ईसाई अब तुमने, तू मेनू खाना नहीं देंदे, समझ आ गई, तू भी खमाते ही तो अपने घर लेकर जाते, कब मैं अगले खमाते अपने घर लेकर, आप जो मर्जी करें यहाँ पर, आप जो मर्जी बगैरतियाँ करें यहाँ पर, हम ना पूछे आपसे आगे, नहीं ना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अच्छा और पक्का ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बने, आप यहाँ पे गंद फैलाओ और हम आपसे पूछे ना। वन वे पे कॉल की है हमने और पुलिस वाले आते हैं, मुतलका थाने वाले आते हैं और उनको बताते हैं कि जनाब ये जोड़ा जो है नाजायज तरीके से यहाँ बैठा हुआ है और इनका कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई निकाह भी नहीं है इनका और खुद मान रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है और सब गलत काम ये करते हैं, नशा भी करते हैं, उसके बाद अपने जिस्म की तस्कीन पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ गलत काम भी करते हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया सोचने वाली बात है कि ये साथ ही बाटी गेट लगता है, बाटी गेट के दूध के नीचे, अब बाटी गेट थाने के जो नाक तले जो है यहाँ पर सरेआम गंदा काम होता है, घिनौना काम होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं बार बार वाज़े लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि ये लड़की पहले मुसलमान थी और इसने इस ईसाई के साथ ताल्लुक नाजायज़ बनाया और इसने इसको फिर ईसाई कर दिया, अब ये दायरा इस्लाम से खारिज हो चुकी हुई है, अब ये जो खातून है ये मुसलमान नहीं रही, अब खुद बता रही है कि मैं भी ईसाई हो चुकी हुई हूँ, लेकिन लम्हा फिक्री है कि इसको कौन रोकेगा, ये मेरा इस्लामी जमहूरिया मुल्क जो पाकिस्तान है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा काम नहीं होने देंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम इस चीज़ का शौर रखते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमने ही इस मुल्क को पाक साफ करना है, जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तो लोग कैसे बदलेंगे, हमने ही इस मुल्क को साफ और पाक करना है, लेकिन आपके हालात सामने हालात हैं कि ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, अभी वन वाइफ पे कॉल किया, बुलवाते हैं उनको और उनको बताते हैं कि जनाब इसको कौन रोकेगा, इसको कौन रोकेगा, आपने रोकना है, आप अपने कमरों में बैठ के सैलरियाँ नहीं लेते, आपको अवाम की खिदमत करने के लिए सैलरी मिलती है, आपका काम यही होता है कि जहाँ पे गलत काम हो रहा होता है उसको आपने रोकना होता है और ये काम पुलिस का होता है, लेकिन लम्हा फिक्रिया है कि इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, जिन्होंने रोकना है वो तो कमरों में बैठे हुए हैं, अब वो भाग गया लड़का, अब देखें नाजिन लड़का भाग गया, अब आप देख सकते हैं कि लड़का जो है वो भाग गया है और लड़की जो थी वो भी भाग गए हैं, अब आप ये देख लें यहाँ पर दोनों बैठे हुए थे वो भाग गए हैं, दोनों भाग गए हैं, यहाँ से उन्होंने फलांग कर दोनों निकले हैं, लेकिन ये लम्हा फिक्री अगर हम लोगों के आने की वजह से ये लोग भाग सकते हैं तो इनको कौन रोकेगा, रोकना किसने है, इंतज़ामिया ने रोकना किसने है, मुतलका थाने वालों ने, लेकिन वो तो गफलत की नींद सो रहे हैं, यहाँ पर ये इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिकन स्टाइल अपनाया हुआ है, ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है और इस मुल्क की जो बुनियाद है वो कलमे पे है,
तो इस पर आपका भी ईमान है और मेरा भी ईमान है। नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ेगा कीजिएगा, अपने मेज़बान नई बड्डी को दीजिए ज़्यादा, तो देखते रहिए लाहौर 42।